हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मम्मी ने गौलक्ष्मी का उत्थापन किया है, उसकी वीडियो आपको पूरी दिखाऊंगा विधि पूर्वक, जैसे मम्मी ने उत्थापन किया है। और उत्थापन शुक्रवार वाले दिन था, और मम्मी का व्रत उत्थापन 26 फरवरी को था, और उसी दिन आरुषि का जन्मदिन भी था। और जैसे कोई जन्मदिन में नहीं गया, सिर्फ मैं और पापा जी गए थे, और ना उधर से ही कोई व्रत उत्थापन में आया, क्योंकि मम्मी ने उस दिन महिला जमाई थी, और महिला में चाची जर को बोला था, लेकिन वे नहीं आ सकी क्योंकि इनका आरुषि के मामा का जन्मदिन था, इसलिए नहीं आ सकी। तो देखिए, शुरू करता हूँ आज का वो लोग मम्मी का उद्यापन की विधि पूर्वक वो लोग है। विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं, और फिर माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है, उसमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही विभु लक्ष्मी है, और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र आदि विद्य है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं। के शुक्रवार से ज़्यादा व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी श्वेतन का एक बार पाठ करना चाहिए। बार व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए, और शाम को व्रत विधि करके माँ का प्रसाद ले, बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी पूरी श्रद्धा और भावना रखे, और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प करे। आइए, व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। जय लक्ष्मी माँ ब्राह्मणी तुम्हें ही जगे माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावती नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नरि गाता, पूर्ण आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी जी की। विष्णु प्रिय नमोस्तुभ्यम, नमोस्तुभ्यम जगदते आद्रहत्रीम, नमोस्तुभ्यम समृतम करूँ मैं सदा, नमो नमस्ते मामाय श्रीपीठे सुरपूजिते संचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की, धन लक्ष्मी मैया की। और मम्मी 11 महिला को जी मारा है, 11 थाली मम्मी ने लगा दिया खाने की। देख थाली क्या हो रही है। खीर के लग रहे लिया, उसके लग रहे लिया हलवे के, सभी औरतों को मम्मी अकेले जी मारेगी, तो कुछ सहयोग हम भी करेंगे, लेकिन मम्मी ज़्यादा सहयोग करेगी। और मम्मी ने सभी को प्रसाद देना शुरू कर दिया है महिलाओं को, और पूजा बना रही है पूरिया। तो देखिए 11 महिलाएं बैठी हैं, जो मम्मी जी ने जी मारे है 11 महिलाओं को, और जो महिलाएं हैं कोई हमारी दादी जी हैं, कोई चाची हैं, कोई भाभी जी हैं, तो सब ऐसी हैं। और खाने में देखिए चावल बने हैं और मिक्स वेज बनी है, ये सब पूजा ने बनाई है अकेली ने, और छोले बने हैं और हलवा है और खीर भी है।
और सारा खाना पूजने के लिए ने बनाया है, और ये जो पूजा की सहेली है इसने आगे पूरी बनवाई है, लेकिन सारा खाना जब पूजा ने बनवाया था। और सभी महिलाओं को प्रसाद खिलाने के बाद मम्मी ने भगवान लक्ष्मी जी किताब और बिंदी और चूड़िया दे दी, शुरू कर दिया महिलाओं को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं सुबह के टाइम आज पंडित जी को बुलाने के लिए आया था, देख सकते हैं आप यहाँ खेत में पंडित जो पंडित जी ट्वेल है वे यहीं पे मिले मुझे, अपने खेत में पर्ची भरवा रहे हैं, गन्ने की ट्रॉली भरवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैं भी आता हूँ, और ये पंडित जी ट्वेल है, आप देख सकते हैं यहीं पर उनके खेत हैं, ये पंडित जी के खेत हैं हमारे, और वहाँ पर जो पेड़ लास्ट का पेड़ चमक रहा है उधर पर्ची भरवा रहे हैं गन्ने की। और मम्मी निकाल रही है दूध, आप देख सकते हैं मम्मी शाम के टाइम दूध निकाल रही है, और मैं भी दूध निकालने की कोशिश करता हूँ लेकिन दूध नहीं निकलता मेरे पे, इसलिए मम्मी ज़्यादा दूध निकालती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, राम राम जी।